हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हुई रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर। सो स्टार्ट करते हैं गाइस रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं। ओके गाइज, यहाँ पर पहली एनर्जी निकल कर आई है एकदम हारने वाली, ठीक है ना। कुछ लोगों के पार्टनर के लिए एनर्जी है आज के दिन में कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा हारा हुआ फील कर रहे थे, ठीक है। लाइफ के चैलेंजेस से लड़ते लड़ते इस पर्सन को आज के दिन में ये फील हो रहा था कि अभी इनको और नहीं लड़ना, या फिर इनसे और नहीं हो पा रहा है। ये पहली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, और मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जो एंजल्स हैं वो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको लगातार पॉजिटिविटी भेज रहे हैं, हीलिंग भेजने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि ये इस वक्त में इनको बिल्कुल वर्थलेस फील हो रहा है, यूजलेस फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की निकल कर आई है पहली, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है आज के दिन में कि उन्होंने अपने ऊपर से मतलब से कंट्रोल खो दिया है, और उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी उनकी लाइफ में चीजें हो रही हैं वो कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनसे सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, और वो कभी कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा कुछ अपना हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करते हैं, सब गलत ही करते हैं। इस तरीके से मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे फील कर रहे हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पर एनर्जी ये भी हो सकती है कि कुछ लोगों के ईगो पर वार हुआ हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी मैसेज है, ठीक है ना, आपके पार्टनर के लिए। आपके लिए क्या सोच रहे थे गाइस ये पार्टनर, ठीक है। आपको एक फूल की तरह देख रहा है इस वक्त, बहुत ही ज्यादा कोमल फूल, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है, और फूल की एनर्जी बता रही है, जो फ्लावर की जो एनर्जी है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि कितने मासूम आप हैं, ठीक है ना। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल रहे हों, इनकी स्ट्रेंथ आपसे ज्यादा रही हो, और आपको इन्होंने हमेशा आपको देखा है कोमल, बहुत ही सॉफ्ट। तो आपका कंपैरिजन आई थिंक ये पार्टनर आज के दिन में कर रहे थे कि पेन को किस तरीके से आपने हैंडल किया है, ठीक है ना, इस चीज को लेकर अप्रिशिएट कर रहे थे पर्सन आपको। जबकि इनको ऐसा लगता है कि अब ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इतने स्ट्रेंथ में ये रहते हैं, तब जब अगर इनकी हिम्मत अभी टूट रही है तो आपने हिम्मत कैसे बनाई होगी, या फिर आप हिम्मत कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर, जबकि आप एक फ्लावर की तरह, एक फूल की तरह, आप देखा होगा फूल बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, उसको हाथ में लेकर ऐसे ऐसे मुट्ठी में बांध भी दिया जाए तो बिल्कुल मुरझा जाएगा वो, और उसका कलर भी चला जाता है, और बहुत अजीब सा हो जाता है। तो मतलब इतना सॉफ्ट इंसान कोई, ठीक है, तो उसने कैसे स्ट्रेंथ बनाई होगी, या फिर उसने वो कैसे स्ट्रेंथ बनाता है, या वो कैसे झेलता है, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपने बहुत तकलीफ देखी है बचपन से लेकर अभी तक। हो सकता है आपने इनको कभी बताया हो कि मैंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत तकलीफें देखी हैं, और बहुत ज्यादा नीचे से मैं आया हूं या आई हूं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी जानते हैं, तो ये सोच रहे थे आज के दिन में कि आपने इतना पेन कैसे झेला होगा, या फिर आप इतना कैसे कर पाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी आज के दिन निकल कर आई है। यहाँ पर मुझे कुछ लोग
ऐसी एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की, कुछ लोगों से आपके पर्सन हर्ट है जो इनके पीठ पीछे या तो बातें कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आज के दिन में इस पर्सन को ये मालूम हुआ हो कि इनके पीठ पीछे कुछ लोग प्लानिंग करते हैं, इनके पीठ पीछे इनके लिए बातें की जाती हैं, गलत बातें की जाती हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि जिनको ये अपना फ्रेंड समझ रहे हैं वो इनके फ्रेंड नहीं है, ठीक है, वो इनके फ्रेंड बनते हैं लेकिन पीठ पीछे जाकर इनके बारे में कोई बातें करते हैं, या फिर इन्हीं के खिलाफ कुछ प्लॉटिंग करते हैं। क्योंकि मुझे बैक स्टैबिंग की एनर्जी फील हो रही है, जैसे कोई बैक स्टैब कर रहा हो, ठीक है, आपके सामने बातें कर रहा है सही, और पीछे से जैसे मुझे यहाँ पर तीन लोग नजर आते हैं, मतलब ऐसे कोई तीन फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके ओके, थ्री यानी थर्ड पार्टी भी हो सकती है ये, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे तीन लोग नजर आए हैं, हालांकि मुझे तीन लोग नजर आए हैं, तो ये तीन फ्रेंड्स हो सकते हैं या तीन लोग कोई भी हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ के, और यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी ही स्ट्रांग हो, ठीक है। तो ये वाला मैसेज भी मिल रहा है, तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से काफी हर्ट नजर आते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मिला है गाइस, ठीक है। आपका आपका जो पर्सन है इस वक्त में, आपके पर्सन का जो एक कहते हैं ना कि लाइफ को किसी ने इसे पकड़ लिया है और बिल्कुल कंट्रोल कर रहा है कोई आपके पर्सन की लाइफ को, एंड ये बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या आखिर, ठीक है ना। बहुत लोगों के पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पर, और जिस तरीके से ये नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इतने ज्यादा मजबूर हैं कि ये इस वक्त में बोल भी नहीं पा रहे अपने मन की बात, मतलब मन की बात तो मतलब जो ये उनके मन में है वो भी ये मुंह से नहीं निकाल पा रहे। कई बार सिचुएशन लाइफ की ऐसी भी बन जाती है जहां पर करना तो छोड़िए, आप अपने मन से बोल भी नहीं सकते, ठीक है। करना तो छोड़िए, मतलब आप करना कुछ चाहते हैं अपने मन से वो तो छोड़िए, करने तो कोई दे ही नहीं रहा, ठीक है। वो तो आपकी लाइफ के एरिया पे जो हो रहा है वो हो रहा है, आप कर तो कुछ वैसे भी नहीं पा रहे, लेकिन इतनी सिचुएशन खराब कि आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, आप बोलना चाहते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी तकलीफें क्या हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरी खुशी किस चीज में, लेकिन इंसान बोल भी नहीं पा रहा है, ठीक है। बोलते बोलते भी मजबूर, लेकिन ये मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि ये तब भी पॉसिबल होता है जब आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, या तो आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो, या फिर आप अंदर से इस तरीके से खत्म हो चुके हैं कि आपको लगेगा कि कोई मेरे को सुनने वाला नहीं है, या फिर मुझे कोई समझ नहीं सकता। दो ही सूरतों में इंसान खामोश होता है, या तो उसके पीछे, उसकी खामोशी के पीछे उसका कोई डर होता है, ठीक है, कि मेरा ही कोई राज बाहर ना आ जाए, उसका कोई राज होता है, या फिर दूसरा कारण ये होता है खामोशी का कि आप अंदर से इतना ज्यादा टूट गए हैं कि आपको किसी पर विश्वास ही नहीं कि कोई आपको समझ पाएगा। तो आपकी पर्सन की एनर्जी में तो मुझे डर की भी एनर्जी फील हो रही है, और खामोशी में ये भी नजर आता है कि बिल्कुल अंदर से भी टूटे हुए हैं, हिम्मत टूटी हुई है इस पर्सन की, ठीक है। तो ये दो एनर्जी आज के दिन में स्ट्रांग निकल कर आई हैं। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी लग रही है गाइज, अगर आपका पार्टनर बहुत आलसी था ना, ठीक है, तो आपके पर्सन का आलस यहाँ पर मतलब उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये एनर्जी है। या फिर मुझे ये भी एनर्जी लग रही है कि पर्सन आपको बहुत लेजी समझते हैं, ठीक है, ये भी मैसेज मिल रहा है कि अब ये पर्सन आपको बहुत लेजी समझते हैं, ठीक है। लेजी मतलब आप काम में डिले करते हो या तो, ठीक है, या फिर ये पर्सन ही डिले करते हैं, ये क्लियर मैसेज नहीं आया है, बट यस यहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी है, यहाँ पर काम टालने की एनर्जी है, ठीक है ना। तो या तो काम आप टालते हो या ये पार्टनर काम टालते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, कल की रीडिंग में भी आई थी, आई थिंक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आ रही है, आपका पार्टनर बैलेंस, इस पर्सन को ना फोर्स किया जा रहा है इस वक्त में कि बैलेंस क्रिएट करें। बहुत लोगों के पार्टनर को फोर्स किया जा रहा है कि वो बैलेंस को क्रिएट करें अपनी लाइफ के अंदर, और ये उनको करना पड़ेगा, जैसे एनर्जी पूरी तरीके से फोर्स कर रही है कि आप बैलेंस क्रिएट करिए, अदरवाइज आपको यहां से ट्रिगर, वहां से ट्रिगर, ट्रिगर को झेलिए। बैलेंस का मतलब हो गया कि
किसी भी एक चीज के पीछे आपको पागलों की तरह लत्ती होकर नहीं भागना है, मतलब लत लग जाती है इंसान को और वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही फील्ड में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। आपकी पर्सन को कहा जा रहा है बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और उन सबके साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए जिनकी ऊर्जा इस पर्सन ने ली हुई है, ठीक है, या फिर जिनकी ऊर्जा भी ये लेते हैं, जिनकी ऊर्जा भी ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सबके साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सारा गेम एनर्जीज का होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये पर्सन किसी की एनर्जीज को लेते हैं और कोई इनकी हेल्प करता है, ठीक है, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मनी के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, और मेंटली हम कह सकते हैं, फिजिकली हम कह सकते हैं, जो भी एनर्जी है, तो आप इस आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि आप जहां से जो चीजें ले रहे हैं वहां उतना ही बैलेंस क्रिएट करिए, और ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वक्त में आपके पर्सन आपके पास आने से भी डर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से इनको गाइडेंस आ रही है, फोर्सफुली इनको बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये अगर आपकी तरफ आएंगे तो इनको आपसे भी कहा जाएगा कि आप वहां पर अगर जाते हैं तो वहां भी बैलेंस क्रिएट करिए, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी है कि आपकी तरफ भी मुझे लगता है इस वक्त में आने से डर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है गाइस, ठीक है। यहाँ पर 2-3 दिन से मुझे थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही हैं, ठीक है। कल भी मुझे जो एनर्जीज लगी थी ऐसी लग रही थी ऐसे बहुत ज्यादा इस पर्सन के ऊपर बोझ है, परसों भी मुझे सेम एनर्जी लगी थी और आज भी मुझे एनर्जी डेविल की नजर आ रही है। ओके, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है दिल और दिमाग के अलाइनमेंट का मैसेज है, ठीक है ना। तो इस पर्सन की आज की एनर्जी में ये नजर ही नहीं आता गाइस कि ये ज्यादा आपके बारे में सोच भी रहे थे, ठीक है। ये पर्सन अपनी ही प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, और यहाँ पर दिल और दिमाग का इस वक्त मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि पूरी एनर्जी मुझे यूनिवर्स से घिरी हुई लग रही है, और यूनिवर्स का बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी इंटरफेरेंस है इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रांग, मतलब आपकी पर्सन की लाइफ में इस वक्त में उनकी इंटरफेरेंस नजर आती है, फिर मुझे डिवाइन इंटरवेंशन नजर आ रही है इस वक्त में, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत फोर्सफुली दिमाग और दिल में अलाइनमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इस पर्सन के दिल में बहुत सारी चीजें होती हैं आपके पार्टनर के, लेकिन क्योंकि दिमाग की बहुत ज्यादा सुनते हैं इसकी वजह से चीजें गड़बड़ होती हैं, तो आपके पर्सन को फोर्सफुली यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिल और दिमाग दोनों को एक ही तरह एक ही दिशा में लगाइए, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि दिल आप कहीं और लगा रहे हैं और दिमाग आप कहीं और लगा रहे हैं, ठीक है। दिल और दिमाग को एक ही जगह पर लगा लीजिए, जहां पर आपका दिमाग बोलता है या तो वहीं दिल लगा लीजिए, या फिर जहां आपका दिल बोलता है वहीं दिमाग लगा लीजिए, ठीक है। दोनों में से कुछ एक करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी है, आप दो नाव पर सवार नहीं हो सकते हैं। इस पर्सन की आंखें आपकी तरफ नजर आती हैं, मतलब आपके ऊपर इस पर्सन की नजरें हमेशा रही हैं। इन्होंने क्या किया है, इस पर्सन का दिल आपके आपके पास लगा रहता है, इसलिए आंखें आपकी तरफ रहती हैं, यानी कि हमेशा आपको देखते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और दिमाग कहीं और लगाते हैं। तो ये इस तरह की चीजें इस पर्सन की टॉलरेट नहीं की जा रही है परमात्मा के द्वारा इस वक्त में, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आज के दिन में, मैं रीडिंग कर रही थी कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, लेकिन आज की जो सारी एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स और आपके पार्टनर, यूनिवर्स और आपके पार्टनर, इन दो लोग की एनर्जी मुझे यहाँ पर मतलब फील हो रही है कि उसी तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं बार बार। 7 नंबर है यहाँ पर, चलिए गाइस कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। एज ऑफ सोर्ट्स, टेन ऑफ सोर्ट्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स,
हेरोफेंट। नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। एम्परर। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स? टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स? टेन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? ओके आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं? ओके देखिए गाइज, यहां पर मैसेजेस थोड़े से स्टोरी की तरह मिले हुए हैं। पहला कार्ड है एम्परर और सेवन ऑफ सॉर्ड्स का। ये दोनों कार्ड बात कर रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है यहां पर आज के दिन में क्या सोच रहा था। आज के दिन में सोच रहा था कि ये ईगो में भागा था आपसे, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड है एम्परर का और ये कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का। बहुत सारे लोग के पार्टनर अगर आपसे दूर गए हैं तो घमंड के चक्कर में गए हैं, ठीक है, खुद के ही घमंड के चक्कर में गए हैं। और मुझे ऐसा भी एनर्जी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने शादी करी है, यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड के साथ शादी कर ली है, ठीक है, किसी और के साथ, किसी और के साथ मैरिज की है इस पर्सन ने। और आप देख सकते हैं कि मैरिज में है ये पर्सन स्टक, ये आ रहा है मैसेज, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था आपको रीडिंग में कि आपका जो पर्सन है उसकी हालत खराब है आज के दिन में। यहाँ पर बैक स्टेबिंग फील हो रही है इस पर्सन को बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा धोखाधड़ी, बहुत ज्यादा चीटिंग फील हो रही है। एंड इस पर्सन की हिम्मत जवाब दे रही है आज के दिन में, ये रीडिंग में निकल कर आया है। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो ये पर्सन वापस जाना चाहते हैं, ठीक है, वापस जाना चाहते हैं, वापस निकलना चाहते हैं वहां से, ठीक है, दोबारा जाना चाहते हैं। और मैंने टेन ऑफ पेंटिकल्स को जब क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर क्यों निकल गए, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक हस्ती खेलती फैमिली चाहते हैं। हर इंसान चाहता है, ठीक है, हैप्पी फैमिली हर कोई चाहता है, बट इस फैमिली में जैसे लग रहा है हेरोफेंट कार्ड के साथ कि फैमिली में ही कोई कंट्रोलिंग पार्टनर मौजूद है, या तो ये पार्टनर है या फिर इस पर्सन की मदर हो सकती है, ठीक है। और आपके पर्सन स्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया तो कार्ड निकल कर आया फोर ऑफ वॉन्ड्स का। आपके पर्सन को स्टेबल फील नहीं हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस पूरे कार्ड्स को जो निकल कर आए हैं इनका मैं आपको पूरा एक मतलब बताती हूँ। आपका जो पर्सन है आज के दिन में क्लियरली ऐसा सोच रहा था कि ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन या तो मैरिज करने जा रहे हैं कहीं, या फिर इनकी मैरिज हो चुकी है। लेकिन आप मैरिज क्या होता है ना, मैरिज इंसान को ये लगता है कि एक फाइनल चीज है, ठीक है, अब इसके बाद आपको पूरी लाइफ ऐसे ही निकालनी है, ये सच बात है। और कि मैरिज हो जाती है इसका मतलब है कि अब आप यू नो जिंदगी भर के लिए एक साथ रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैरिज में ही अगर किसी व्यक्ति को स्टेबिलिटी फील ना हो, मैरिज में ही अगर किसी व्यक्ति को बहुत धोखाधड़ी फील हो, ये मैरिज का कार्ड भी होता है फोर ऑफ वॉन्ड्स, इसी में अगर किसी, मैंने क्लैरिफाई किया था इसको, अगर उसमें ही किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी या चीटेड फील हो, ठीक है, तो उसको स्टेबिलिटी कैसे फील होगी, वहां पर नहीं होगी आपकी पर्सन को, नहीं हो रही है, ठीक है। अब आपका पर्सन मैरिड है, नहीं है, हो सकता है आप भी के साथ मैरिड रहो, बट मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है वो ये कि पर्सन को सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है। देखिए हर व्यक्ति का एक नियम होता है कि उसको अपना पार्टनर लॉयल चाहिए, ठीक है ना, हर व्यक्ति को पार्टनर लॉयल चाहिए, ठीक है। और आज के टाइम में सबकी डिमांड है ये, और खासतौर से मैरिड अगर आप हैं तो उसके बाद तो आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद आपके पास, हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि शादी के बाद आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि आज के टाइम में तो ये पॉसिबल, ये तो नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट यस 50% चांसेस तो आपके मतलब खत्म ही हो जाते हैं कि आप मैरिज के बाद
कहीं और सोचें, ठीक है। और अगर मैरिज में ही इंसान आपको लॉयल ना मिले, ठीक है, अगर मैरिड पार्टनर ही आपका लॉयल ना हो, तो फिर आपकी लाइफ बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बर्बादी सी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ही ये निकल कर आया है, ठीक है। अब मुझे जो मैसेजेस, जैसे मैसेजेस एग्जैक्ट मिलते हैं, मैं आपको वैसे बताती हूँ, कार्ड यही बोल रहे हैं इस वक्त में। स्टक है व्यक्ति, स्टक है, ठीक है ना, और मैरिज में स्टक है, ठीक है। किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, हो सकता है कोई इस पर्सन की लाइफ में ऐसा है जिसके हाथ में अथॉरिटी है, ठीक है। और ये भी कारण बता रहे हैं कि इनका खुद का ही कारण रहा है, इनका खुद का ही ईगो रहा है, इनका खुद का ही भागना रहा है इस कनेक्शन से, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन तो मतलब अट्रैक्शन में गए थे, वहां पे जहां भी गए थे, और इनको ऐसा लग रहा था कि एक हस्ती खेलती हैप्पी फैमिली बनाएंगे, बट यहाँ पर उस कार्ड को क्लेरिफाई कर दिया क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ने, तो मतलब लग रहा है कि इस पर्सन को ये यहाँ पर जो भी हैप्पी फैमिली जो बनाना चाह रहे थे पर्सन, इसकी हैप्पी फैमिली एक कंट्रोलिंग पर्सन के साथ बन गई, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। मतलब जो भी फैमिली पर्सन की बनी है, इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं देखना चाहूंगी और क्या कार्ड्स आएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त में, ठीक है ना, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये नजर आ रहा है आपको। पर्सन सक्सेस चाहता है, लेकिन ऊर्जा आपके पर्सन की जो टेन ऑफ सॉर्ड्स की निकल कर आई है, जो लो पर जा रही है, कॉन्फिडेंस लो पर जा रहा है, और एनर्जीज इस पर्सन की लो पर जा रही है, तो ये मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज का काम करेंगी। ये पर्सन एक एक ब्लेसिंग मांग रहे हैं डिवाइन से, ठीक है, एक ब्लेसिंग चाहते हैं, एक लाइफ को न्यू स्टार्ट करने के लिए एक ब्लेसिंग चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन चाहते हो कि इनकी लाइफ जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो यूनिवर्स यहाँ पर ठीक कर दें, ठीक है। और ये अपनी इमेच्योरिटी के लिए यूनिवर्स से माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको रीडिंग में बोला था, कल की रीडिंग में ही मुझे नजर आया था कि आप में से काफी सारे लोग के पार्टनर यूनिवर्स की नजरों में चढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको पूरी तरीके से समझा देते हैं कि आपका कौन क्या है, ठीक है। तो इस वक्त में एनर्जी बहुत ज्यादा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव की एनर्जी है, कि आपके पर्सन के ऊपर मतलब काफी सारे लोगों की एनर्जी में ये निकल कर आया कि आपका जो पर्सन है वो देख रहा है कि चीटिंग का मतलब क्या है। मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि चीटिंग का मीनिंग समझाया जा रहा है, ठीक है ना, सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं हम कि चीटिंग का मतलब क्या होता है रियलिटी में, ठीक है। सब जानते हैं चीटिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिकल हर कोई नहीं कर पाता ना, तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पर्सन को यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकली समझिए। सी दीज कार्ड्स, सोरो, बर्डन, एडवेंचर, कंट्रोल, आज की एनर्जी बहुत हैवी है। एडवेंचरस लाइफ, दुख से भरा हुआ इंसान, एंड जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, ये शादी का बर्डन नजर आता है गाइस, ठीक है। आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट करी है तो आपको पता होगा, पर ये शादी का बर्डन मुझे नजर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपसे मैरिड थे, फिर इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली, ये भी कुछ कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। वी लेटर है यहाँ पर, जेड लेटर है, एल लेटर है, सी लेटर है, ओ जे 2060, नहीं यहाँ पर जी है, ये जी लेटर है, 200 200, यहाँ पर जी एच एक्स ई और टी। जी एच एक्स ई टी 200 नंबर है यहाँ पर, और जे ओ एल वी जेड सी।
चार मैसेज आए हैं, आई कांट सी यू विथ नो वन एल्स, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट, आई वॉन्ट टू शावर यू विथ गिफ्ट्स, गिफ्ट देना चाहते हैं एंड आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, बोले आज भी आप पर ही अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, आपसे मूव ऑन होने के बाद, आपसे भागने के बाद भी आज भी आप पर ही अट्रैक्टेड हैं, ये निकल कर आ रहा है गाइस, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग निकल कर आई है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू गाइस।